Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Muhammad Aslam from Grammar A to Z. This is the 9th lecture of Grade 10 English, Selecting the Right Career. In this particular lecture, we will discuss noun class and noun phrase. In order to understand noun class, first of all, let's discuss a class. A class is a group of words which have subject and verb. A group of words which have subject and verb is called class. There are two types of classes, independent class and dependent class. Independent class gives its complete meaning. Technically, it's a sentence. It's a simple sentence. And dependent class needs independent class to modify its meaning. And let's discuss noun phrase. Noun phrase is a group of words which does the function of a noun. And class, what is a noun class? A class which works as a noun is called noun class. It's simple. So let's make it simple for you with the help of this written description. Class, a group of words which consist of subject and verb. A group of words which consist of subject and verb. He ran fast. He आपका सर क्या हो जाएगा? Subject and ran आपका क्या हो जाएगा? Verb है. यहाँ पर आपका object नहीं है. तो एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और वर्ब पर, उसे हम क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही, क्लास कहते हैं. अब हमने कहा कि देर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस. कौन कौन सी सर? सबसे पहले है इंडिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं. जो विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, जो अपने मुकम्मल मानी देती है. And dependent class, which needs main class to give its meaning, अपने मानी देने के लिए उसे independent class की ज़रूरत होती है. फिक्रा देखिएगा, I slept early as I was tired. I slept early, ये आपका क्या है सर? Independent class. As I was tired, ये आपका क्या हो जाएगा? Dependent class. मैं जल्दी सो गया. I slept early. मैं जल्दी सो गया. बात खत्म. As I was tired. चूंकि मैं थका हुआ था. अगर हम अकेला लिख दें एज आई वॉज टायर्ड, तो हमारे जहन में आता है कि भाई आगे क्या, तुम थके थे फिर क्या. तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है और ये आपकी सर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास. तो नाउन क्लास फिर क्या है? अ क्लास विच वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लास. नाउन फ्रेज बनने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नाउन, कि नाउन काम क्या क्या करता. अब जो काम नाउन करता है वो काम अगर कोई क्लास करती है तो वो नाउन क्लास है, और जो काम नाउन करता है वो काम अगर कोई फ्रेज करती है तो उसी को हम नाउन फ्रेज कहते हैं. ये आसानी के लिए आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो काम नाउन करता है अगर कोई क्लास वो काम करे तो वो जनाब आपकी नाउन क्लास. अगर कोई फ्रेज वो काम करे जो काम नाउन करता है तो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा सर. तो नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज पढ़ने से पहले देखिएगा, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो कोई मानी देता है, जो कुछ मानी देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं. अब अ फ्रेज विच वर्क्स एज अ नाउन, एक फ्रेज मुरक्कबे नाकिस जो नाउन का काम करता है उसे हम कहेंगे कि ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज है. देखिएगा, ही एट मैंगोस. अगर यहां पर होता ही एट मैंगोस, उसने आम खाए. ही हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारा वर्ब है, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है. अभी बात करते हैं कि एक नाउन काम क्या करता है. नाउन सर आपका सब्जेक्ट बनता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट बनता है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है. ठीक है, असलम बीट्स अकरम. असलम आपका सब्जेक्ट है, अकरम आपका क्या है सर? बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट है. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट डॉक्टर. अब ब्रिलियंट डॉक्टर जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है सर. तो नाउन है. अब अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम करे, अगर कोई फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम करे, अगर कोई फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो हम कहेंगे ये नाउन फ्रेज है. आगे देखिएगा, अर्ली टू गो मेक्स अस इन टाइम. अब देखिएगा सर कि मेक्स वर्ब है. उसूली तरीके पर जब एक जुमला बनाया जाता है तो हम सब जानते हैं कि सबसे अहम इसे तीन ही होते हैं एक जुमले के. सबसे पहले सब्जेक्ट,
दूसरा जी वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्ब के इधर सब्जेक्ट है, वर्ब के इधर ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब के इधर एक से ज्यादा लफ्ज अगर नाउन का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, और उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, तो वो नाउन फ्रेज है। अगर कोई चीज ऐसी है जो सब्जेक्ट भी रखती है और वर्ब भी रखती है, काम नाउन का कर रही है, एक ऐसा छोटा जुमला जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और काम नाउन का कर रही है, तो वही नाउन क्लास है। अब सिंपल हो गया मुझे लगता है, ठीक हो गया सर। अर्ली टू गो मेक्स अस इन टाइम। अब जो अर्ली टू गो के जल्दी जाना हमें वक्त पर पहुंचा देगा, तो ये जो अर्ली टू गो है ये आपका नाउन फ्रेज है। आई लाइक टू ईट मैंगोज, ठीक हो गया। आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट राइप जूसी मैंगोज। अब ये जो राइप जूसी मैंगोज है ये आपका सर क्या हो जाएगा, हाँ जी नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब राइप जूसी मैंगो थी आपका ऑब्जेक्ट है सर, और माई फेवरेट स्पोर्ट जो है ये आपका सर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। जब क्लाज एक क्लाज नाउन का काम करे तो वो नाउन क्लाज, एक फ्रेज नाउन का काम करे तो वो नाउन फ्रेज। अब जो नाउन क्लाज है वो अमूमी तौर पर शुरू कहां से होती है, हाउ से, डैट से, व्हाट से, व्हाटएवर से, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, होम, हुएवर, हुड, व्हाई। अब देखिएगा इधर, आई हैव लर्नड व्हाट यू आर सेइंग। आई सब्जेक्ट है, हैव लर्नड ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। व्हाट जो है यहां से शुरू हो गया है, व्हाट यू आर सेइंग, लर्नड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। अब यहां पर ये वर्ड आए हैं, यहां पर आपका सब्जेक्ट भी है और यहां पर आपका वर्ब भी है। ये क्लास है जो नाउन का काम कर रही है, तो हम कहेंगे सर ये आपका क्या है, नाउन क्लास। ठीक हो गया सर। जैसे यहां है आई सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट जो है ये आपका वर्ब है, डेट आई शैल गेट अ प्राइज के मैंने उम्मीद की कि मुझे कोई इनाम, मैं इनाम हासिल कर लूंगा, तो अब डेट से शुरू हुई है। तो अब ये जो क्लास है जिसमें आई है वो सब्जेक्ट है और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है, गेट जो है जो आपका मेन वर्ब है, तो आप कहेंगे कि ये जो क्लास है नाउन का काम कर रही है, एक्सपेक्ट के बाद जहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था ऑब्जेक्ट की जगह पर आई है, तो अब आप कहेंगे ये आपका क्या है सर, नाउन क्लास है। अर्ली टू गो नाउन फ्रेज हो जाएगा, राइप जूसी मैंगोज नाउन फ्रेज हो जाएगा, माई फेवरेट स्पोर्ट नाउन फ्रेज हो जाएगा। आइए इधर, वो कहते हैं पिक आउट द नाउन क्लास इन ईच सेंटेंस। सबसे पहले तो हमने ये एक निशानी याद रख लेनी है कि जो वर्ब होगा हमारा, जैसे यहां पर वर्ब है वंडर, रिप्लाइड, वांट, नोटिस्ड, कुड नॉट डिसाइड, ठीक होगा सर। अब वर्ब से इधर सब्जेक्ट, वर्ब से उधर ऑब्जेक्ट है। अब देखना है कि अगर कोई क्लास इन लफ्जों से शुरू हुई है, ठीक है, अब इनसे शुरू हुई है तो, और है भी वो किसके बाद है, वर्ब के बाद है, वही आपकी नाउन क्लास है। जैसे आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, शी रिप्लाइड डैट शी वुड कम, आई वॉन्ट टू सी वट हैड हैपन्ड, देखो जी वट है इधर, जी बिल्कुल है, ही नोटिस डैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, ही कुड नॉट डिसाइड हुम ही शुड एड्रेस फर्स्ट। अब ये जो हाउ यू आर गेटिंग ऑन ये आपका सर क्या है, नाउन क्लॉज है। डैट शी वुड कम ये आपका नाउन क्लॉज है। वट हैड हैपन्ड नाउन क्लॉज है। डैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड नाउन क्लॉज है। हुम ही शुड एड्रेस्ड फर्स्ट ये भी आपका सर क्या है, नाउन क्लॉज है। अगर हमसे डिमांड करता है दूसरे सवाल में चेंज चेंज नाउन क्लॉज इनटू नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज को नाउन फ्रेज में तब्दील कर दें और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर दें। अब इन्फिनिटिव क्या होता है सर, ये हम सभी जानते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सर क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे दे हैव वॉर्नड हिम दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, उन्होंने उसे तंबीह की कि वो उन्हें धोखा ना दे,
अब जो डैड ही शुड नॉट डिसीव देम है, ये आपका सर क्या है, नाउन क्लॉज है। अब आपने इसको नाउन फ्रेज बनाना है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या हो जाएगा, दे हैव वार्न्ड हिम नॉट, दे हैव वार्न्ड हिम नॉट। अब डिसीव वर्ब है, यहां इस वर्ब को इन्फिनिटिव बना लेना है, नॉट टू डिसीव देम। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना था, फिर आपको याद हो जाएगा कि ये कहां से कहां अटैच हो रहा है। दे हैव वार्न्ड हिम नॉट टू डिसीव देम, समझ आ रही है? दे हैव वार्न्ड हिम नॉट टू डिसीव देम। वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कुड इंप्रूव मैटर्स, हमने इस बात पर बहस की कि हम मामलात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो अब कहता है कि आपने ये जो इंप्रूव वर्ब है, यहां पर इसको इन्फिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल करना है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ इंप्रूव, हाउ टू इंप्रूव मैटर्स। फिर देखिएगा, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू इंप्रूव मैटर्स। जी सर, शी हैज लर्न्ड हाउ शी शुड यूज द मशीन, उसने सीख लिया है कि उसे मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है। यहां पर यूज वर्ब है, इन्फिनिटिव बनाएंगे, शी हैज लर्न्ड हाउ टू यूज द मशीन, शी हैज लर्न्ड हाउ टू यूज द मशीन। आगे देखिएगा, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ ही कुड रीच होम, हाउ ही कुड रीच होम, ये आपका सर क्या है, नाउन क्लॉज। अब हमने इसको फ्रेज में बदलना है इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हुए, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ, अब ये आपका वर्ब है तो इसको इंफिनिटिव, हाउ टू रीच होम। लास्टली द क्लास हैज डिस्कस्ड व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर, क्लास ने इस बात पर बातचीत की कि उन्हें फन फेयर पर, पार्टी पर क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। तो व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर जो है, ये आपका नाउन क्लॉज है, और यहां पर जो मेक है ये वर्ब है, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। द क्लास हैज डिस्कस्ड व्हाट टू मेक फॉर फन फेयर। आपकी सहूलत के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं, दे हैव वार्न्ड हिम नॉट टू डिसीव देम, वी हैड डिस्कस्ड हाउ टू इंप्रूव मैटर्स, शी हैज लर्न्ड हाउ टू यूज द मशीन, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू रीच होम, द क्लास हैज डिस्कस्ड व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, आपका सर नाउन क्लॉज, that she would come noun clause, what had happened noun clause, that the clock had stopped noun clause। कैसे पता चला, ये जो words है how, that, what, that और नीचे whom he should address first, whom, ये words indicate करते हैं कि इनसे अमूमी तौर पर आपकी noun clause शुरू होती है। present perfect continuous tense, फेल हाल मुकम्मल जारी। इस जो टेंस है इसके मुकम्मल डिटेल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहां पर अल्टीमेट हमारा फोकस रहेगा कि हमने सिंस और फार का इस्तेमाल कहां पर, कब और कैसे करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी, वो काम जो जमाना माजी में शुरू हुए हों और जमाना हाल में वो चलते हों, उनका असर यहां तक आए, तो उनको जाहिर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, अब 3 घंटे पहले शुरू किया था, अब तो जमाना माजी था लेकिन अब जमाना हाल में उसका असर चल रहा है ना, अभी वो चल रहा है। एक्शन दैट हैव रिसेंटली स्टार्ट, वो काम जो अभी रुके हैं, जो अभी हुए हैं, ठीक हो गया। तो टेम्परेरी एक्शन एंड सिचुएशन, वो काम जो आर्जी थे या कुछ आर्जी सूरत हाल थी, उसको इन 3 सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे है जी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद होता है किसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सिंस और फार, और इस तरह आ जाएगा सिलसिला। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, ये जनाब आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, और ये आपका क्या है,
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नॉट बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव सब्जेक्ट बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर इंट्रो नेगेटिव हो तो बीन से पहले नॉट लग जाएगा. आइए इधर, ये बड़ा आसान फार्मूला है, अगर आप सिर्फ इस चीज को जहन में रख लें तो ऑटोमेटिकली आपको परेशानी नहीं होगी. यहां पर सिंस लगना है, यहाँ के फार लगना है. अब लिखा हुआ है सिंस और फार का कहाँ इस्तेमाल करना है, देखिएगा ध्यान से. काम के आगाज का वक्त, के काम शुरू कब हुआ, जैसे मार्च से शुरू किया मैंने, मॉर्निंग से शुरू किया मैंने, इवनिंग से शुरू किया मैंने. इंग्लिश में स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, के कोई काम शुरू कब हुआ है. काम के आगाज का वक्त या स्टार्ट ऑफ अ पीरियड में आप सिंस का इस्तेमाल करो. कहता है कि सिंस इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट ऑफ अ पीरियड काम के आगाज के वक्त में. काम करते हुए कुल दुरानिया, कुल मुद्दत, अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए आप फार का इस्तेमाल करो. यूज सिंस एंड फार टू फिल इन द ब्लैंक्स. ध्यान में रखिएगा, आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स. अब 3 आवर्स जो है, अगर आप गौर करो तो ये काम करते हुए कुल मुद्दत कि मुझे कितनी देर होगी ये काम करते हुए, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 7 PM. अब ये काम के आगाज का वक्त, ये काम के आगाज का वक्त है, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM. ताहिर हैजंट बीन फीलिंग वेल 2 वीक्स. अब 2 वीक्स जो है, ये काम करते हुए क्या है सर, कुल मुद्दत, यानी कि कोई काम है तो उसकी कुल दुरानिया कितना है, 2 हफ्ते. तो यानी कि ताहर 2 हफ्तों से बीमार है या अच्छा महसूस नहीं करता रहा है, तो फीलिंग वेल 2 वीक्स, तो फार लग जाएगा. ये जना बहुत खिलाड़ा पड़ रहे तो इसलिए अब ऐसे लाइनें नहीं लगाएंगे ना. सारा हैजंट बीन विजिटिंग अस मार्च. अब मार्च जो है ये काम के आगाज का वक्त है, तो क्या आ जाएगा, सिंस. सारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च. ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल अ लॉन्ग टाइम. ये कुल दुरानिया है किसी चीज का, तो क्या लग जाएगा, फार. ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज बीन लिविंग इन पेशावर. ही लेफ्ट स्कूल. कि ये काम का आगाज है कि कब, जब उसने वो स्कूल छोड़ा, तो क्या जाएगा, सिंस. ठीक हो गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो नाइस ऑफ यू.